हमारे राजस्थान की प्रतिष्ठा को लेकर के एक कार्यक्रम अभी कुछ ही दिनों में 19 नवंबर से एक हम आप सबके सामने रखेंगे। हमारे लिए एक अच्छी बात है कि सिंगापुर का एक राजनीतिक डेलीगेशन 19 नवंबर को राजस्थान आएगा। वो मध्य प्रदेश में भी गया, सभी क्षेत्रों में गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक व्यवस्था रचना और इसको समझने के लिए फिर सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय कैसे हम स्थापित कर पाते हैं, ये सब पढ़ने के लिए समझने के लिए एक डेलीगेशन आता आ रहा है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को रहेगा जिसमें और चार तो उनके मंत्री रहेंगे और उनके पार्लियामेंट के मेंबर 3 रहेंगे और पार्टी कैडर्स के 5 लोग रहेंगे उसमें और स्टाफ के 4 लोग रहेंगे। लगभग 20 लोगों का एक डेलीगेशन यहाँ पर आएगा। हिंदुस्तान के भी कई वरिष्ठ नेता उसमें साथ में यहाँ आएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इनके साथ में भी वो यहाँ पर अलग अलग समय में टाइम बाउंड प्रोग्राम उनका आ गया है और उसके हिसाब से वो और यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे एक दूसरे के साथ। हम उनको सीखेंगे, पढ़ेंगे, वो हमें पढ़ेंगे। ये कार्यक्रम एक होगा, उसमें मैं आप सबका भी सहयोग चाहूँगा क्योंकि वो राजस्थान की प्रतिष्ठा से संबंधित है, हमारे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा से संबंधित है, इसलिए हम सब सकारात्मक भूमिका उसमें निभा सकें, ये मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा। हालांकि वो हमारा आर्ट देखेंगे, वो हमारा कल्चर देखेंगे, हमारी पार्टी का संविधान, रीति नीति, पंच निष्ठाएँ, हमारे कार्यप्रणाली, हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, संगठन को सुदृढ़ कैसे कर रहे हैं, कैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सके, ये सब समझने के लिए वो आ रहे हैं। ऐसे ही हमारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, गांव सुदूर में सरकार कैसे काम कर रही है, उसको भी वो समझेंगे। हमारी सत्ता और संगठन के बीच में किस प्रकार का समन्वय है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमारा सेतु कौन है, क्या है, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, इस सबको वो समझेंगे। इसके लिए वो आ रहे हैं तो मैं तो आपको अभी पहले से निमंत्रित कर रहा हूँ कि उसमें अपन सब मिल करके, क्योंकि राजस्थान और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है तो हम सब एक मुख्य होकर उसमें और उनके साथ से 3 दिन का कार्यक्रम होगा जिसमें हम यहाँ का जैसे चाहे हवा महल हो या और भी इस प्रकार के जो है वो सब हम उनको वहाँ भी भ्रमण भी कराएंगे, आप लोग साथ ही रहोगे हमारे, और ये सब कार्यक्रम जो भी होगा यहाँ का और भी एक दो ऐसी विशेषताएं हैं जो अच्छा लगता है हम कि हमारी संस्कृति दिखा सकें उनको, हमारा खान पान कैसा है ये भी उनको बता सकें, विशेषताएं जो कुछ भी है। तो हम देखिए प्रधानमंत्री जी ने सीधी घोषणा करी कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार का सदस्य है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में सर्वे बहुत सुखीना का भाव दिया है, आम आदमी के सक्षम बनाने के लिए योजनाएं दी है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुद्रा योजना का लाभ किसको मिलेगा, बेरोजगार को मिलेगा। उनके भाषणों को लेकर बोले, उनके भाषणों में उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार माना और वो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के लिए चल रहे हैं, तो भाषण में तो सीधा बोल रहे हैं ना वो दुनिया में और हम शांति कायम करने का काम कर रहे हैं। आप प्रत्यक्ष देखिए वो युद्ध कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, उनके भाषणों के बिंदु है ये कि युद्ध समाधान नहीं है, समाधान बैठ करके चर्चा करने से होता है। दूसरे देशों में जाकर के वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं क्या हो गया विरोधियों को कि वो चुनाव में जो भाषण दिए हैं उनको लेकर शिकायत करेंगे। मैं चुनाव में भाषणों की बात भी करूँ तो सीधी सी बात है, चुनाव में भी वो यही कहते हैं कि हमें मिलजुल के संगठित रहना, एक रहो, ये बात वो कह रहे हैं। बटोगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है ये बात कहा है, मत बटो, साथ में रहो, जुड़ो, कंधे से कंधा लग के काम करो, हाथ मिला के गले मिल करके काम करो, ये बात कहना कोई गुनाह नहीं है, इसको आप कैसे किस रूप में लेंगे। वैसे उपचुनाव में कांग्रेस भी लगातार अब ये सरकार जो वर्चुअल उद्घाटनों के जरिए लोगों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है,
योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, खाद्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, आरक्षण की बात की, आरक्षण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार के जो फैसले हैं उनके ऊपर करके घोषणाएं की है सरकार ने, धरातल पर नहीं उतर पा रही है कि आरक्षण का लाभ ये कानूनन मिलता है, आरक्षण का लाभ कानूनन चुनाव में भी मिलता है और सेवाओं में भी मिलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा जिसको लाभ मिलना है उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जो धरातल पर काम हुआ है वो उसका यदि वर्चुअल शिलान्यास कर दिया जाए तो दिक्कत की बात कहाँ है। हम नहीं चाहते कि केवल हम वहाँ जाएं और इठलाएं और फिर वो काम शुरू हो, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं काम जल्दी से जल्दी शुरू हो और हमने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है, निश्चित निर्धारित समय अवधि में वो काम हो जाए, तो उसका शिलान्यास जल्दी करने में दिक्कत कहाँ है। वर्चुअल शिलान्यास कर दिया, वर्चुअल उद्घाटन कर दिया ताकि वो भवन बना पड़ा है वो लोगों के काम आए, तुरंत काम आए, हमारा इंतजार नहीं करेंगे, हम जाएंगे तभी वो काम जनता को हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये तो अच्छी बात है ना, वर्चुअल कर दिया ठीक बात है, इसको कोई नकारात्मक लेता है तो मैं सोचता हूँ कि लेना नहीं चाहिए। ये हम ले रहे हैं कि कोर्ट से आए आदेश, ये तो पढ़ना चाहिए ना उनको, जो कोर्ट का आदेश है उसको हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो। कोर्ट ने उनको मतलब माना है तो कोर्ट है न्याय, उस पर टिप्पणी मेरा करना ठीक नहीं। उनको लग रहा है कि मतलब आप एक बात सुनिए, यूं तो मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरा ये हो सकता है कि सोनिया जी जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है, राहुल जी जमानत पर है, पी चिदम्बरम जमानत पर है, ये वाड्रा जी जमानत पर है, कई कांग्रेस के नेता आज चाहे आप पार्टी के लोग ले लो, केजरीवाल जमानत पर है, आपके मतलब महाराष्ट्र के कई नेता कांग्रेस के जितने भी नेता जमानत पर है, हमारे नेताओं पर कोई आरोप नहीं है, तो वो अब हम पर थोपे हैं, जब कोर्ट से जमानत पर है तो कोई आखिर अपराध तो किया ही होगा ना उन्होंने, बदले वाली कार्यवाही नहीं होगी, हम नहीं कर रहे क्योंकि हाई कोर्ट ने कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, कोर्ट ने किया। एक मदन डोटा मदन जी दिलावर साहब ये कह रहे हैं कि डोटासरा भी जेल जाएंगे, तो वो कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं विपक्ष क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए साहब अपराध मत करो कोई टारगेट नहीं करेगा, अपराध नहीं करो कोई जेल नहीं भेज सकता, हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का राज है, ऐसे संभव नहीं है। अपराध करोगे और जिसके मन में यदि पहले से ही अपराध बोध है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। पिछले 5 साल में हुआ, पिछले 5 साल में किए होंगे तभी तो ये स्थितियां बनी है, कई लोग जेलों में है ना। मैं किसी पर मैं डोटासरा जी के बारे में नहीं कहना चाहता, मदन जी दिलावर साहब ने क्या कहा वो मदन जी के पास में कोई सबूत होगा, मेरे पास में ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी जिसको जो मौका मिलता है ईमानदारी से राज कार्य करे। लोकतंत्र में सत्ता आती है जाती है मिलती है, करना है काम करना है विकास करना है, लेकिन ईमानदारी से काम करो कोई अंगुली नहीं उठाएगा। उपचुनाव के बारे में बताइए किस तरह का माहौल नजर है, क्योंकि कई जगह आप गए हुए हैं, आपके स्टार प्रचारक सब जगह मौजूद हैं, दावा दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, माहौल आपको क्या नजर आ रहा है। मैं सोचता हूं कि मेरी जो जानकारी है हम सभी सीटें जीत रहे हैं, 7 उपचुनाव जीत रहे हैं और बाकी मीडिया से कोई चीज छुप नहीं सकती, मीडिया को सब पता है। हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं ये इस विषय पर, तो शायद मैं सोचता हूं कि मैं क्या बात करूं, हम कोई पूंजीपतियों के लिए नहीं, हम आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए काम करते हैं। हमारी प्रत्येक योजना जैसे प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध करवाना, ये केवल पूंजीपतियों के लिए तो नहीं है, पूंजीपति के पास तो ऑलरेडी आवास है, तो हमने 4.5 करोड़ मकान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने पिछले एक टेन्योर में और दे दिए, तो 4.5 करोड़ मतलब इतने जो दिए हैं मकान तो 4.5 करोड़, तो ये कोई पूंजीपतियों के लिए नहीं था, आम नागरिक के लिए था। किसान सम्मान निधि दी तो वो पूंजीपतियों के लिए नहीं है, वो आम जरूरतमंद के नागरिक के लिए है। इसी प्रकार से गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, शौचालय के निर्माण करने की बात करी,
कि घर घर में शौचालय निर्माण होना चाहिए, तो पूंजीपति के तो ऑलरेडी है, उसको वो लाभ नहीं मिल रहा है। जो गरीब व्यक्ति है उसको और किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया, ये पूंजीपति के लिए नहीं है। ये सोरेन नहीं समझ पा रहे इस बात को, वो खाद्य सुरक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, आवास जो उपलब्ध करवा रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं, शौचालय निर्माण को नहीं समझ पा रहे हैं। हमने जो कुछ भी योजनाएं बनाई है, रेलवे का जो विस्तार किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, तो पूंजीपति के लिए है क्या? आम नागरिक के लिए। हमने सड़कें बनाने का काम किया, हमने सोलर पैनल्स का काम किया, ये कोई पूंजीपति के लिए नहीं है। अभी अलग अलग सोच है उनकी, वो तो केवल भ्रम पैदा करने के लिए उल्टी सुलटी बातें करें। ये निर्णय सरकारी स्तर पर होना है। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी कई उसके लाभ हानि के बारे में भी चर्चा हुई थी। सरकार के पास इसका बजट भी चाहिए, जब उनको रिटायर होंगे, कोई सेवानिवृत्त होता है उस समय उसको मिल जाए, ये तो सुनिश्चित करना चाहिए ना। यदि मिले नहीं, केवल आंकड़ों में ही मिले और उसके जेब में नहीं पहुंचे, तो क्या मतलब निकलता है? केवल राजी करने के लिए ओपीएस ओपीएस कर देना ठीक नहीं है। ये सरकार अपना बजट और व्यवस्था देख करके निर्णय करती है। मेरा तो इतना ही सोचना है कि जीवन भर कोई कर्मचारी काम करता है, सेवा करता है, और उसका उस वेतन में से कुछ कटौती भी होती है और वो उसको पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के समय मिल जाए, ये सुनिश्चित करना है। केवल कागजों में मिल जाए और वास्तव में उसकी जेब में नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं। क्या प्रोग्राम बना है उनका? बिल्कुल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो पूरे देश में जहाँ कहीं भी चुनाव उपचुनाव जहाँ कहीं भी हो रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना प्रोग्राम उनका बन रहा है और वो पूरा अपनी भूमिका निभा। आपकी बात हुई है प्रोग्राम, बात होती रहती है, बात तो हम अपने आपस में तो बात करते हैं। 7 सीटों में से कौन कौन सीटों पर उनका प्रोग्राम बन रहा है, किस सीटों पर प्रचार के लिए जाए, क्योंकि ज़्यादा उसमें बचा है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, उसका केवल हम अकेले नहीं कर सकते, केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उनका। हम अपने स्थानीय जो नेता होते हैं ना, उनका कार्यक्रम हम बनाते हैं, लेकिन हम उनके भी कार्यक्रम बनाते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो छिद्रान बेसन का काम करती है, छिद्रान बेसन तो किसी के लिए भी किया जा सकता है, कमियां ढूंढना, लेकिन कमियां ढूंढो, सकारात्मक कमी ढूंढो, सुझाव दो, हम मानने को तैयार हैं। कोई अच्छा सुझाव दो, पॉजिटिव तो ना सुझाव, हमें कोई हम हठधर्मी नहीं है कि हम कहते हैं वही सही है, हो सकता है कि वो अच्छा सुझाव भी दे, सुझाव तो दे, कमी ढूंढ करके और उसको रोकना काम को, मैं सोचता हूँ ये विकास में बाधक। ये बात सही है कि कई कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेता वो हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के, हमारे काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्राप्त करना चाहते थे, तो वो आए हैं। हालांकि वहाँ कोई उपचुनाव नहीं है, जैसे भीमाल के आज आए, कई कांग्रेस के नेता हैं जो कांग्रेस के पहले प्रधान भी रहे, किसान संगठन के जिलाध्यक्ष भी रहे, ऐसे ही कोई वरिष्ठ पत्रकार भी वहाँ पर हैं, कई कांग्रेस के साधारण सदस्य भी हैं, ऐसे कई लोग आए हैं, तो उनको ट्रेन कराया था, मैं भी जल्दी से निकलना था, इसलिए मैं आप सबके सामने उनको उपस्थित नहीं कर पाया, लेकिन इसके पूरा वीडियो आपको भेज दिया। मतलब मिला जुला रहे क्योंकि जो जहाँ हमारे से संबंधित होगा, पार्टी से संबंधित तो यहाँ होगा, कार्यालय में होगा, और सत्ता से संबंधित होगा तो वहाँ मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे वहाँ होगा। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ होगा वो हम आपको समय आने पर सब बता देंगे, आपको सूचना पहले से दी जाएगी।